एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में बताना चाहूंगी दैट हाउ आई क्रैक्ड नॉसेट 2022 इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो माय नेम इज पूजा शर्मा एंड आई सिक्योर्ड रैंक 1080 इन नॉसेट 2022 एंड वी आर कॉलेज BMHRC है, भोपाल मेमोरियल कॉलेज है मेरा। और मेरी यूनिवर्सिटी है MPMSU, जो कि आपके 4 साल के कोर्स को 6 साल करवा देती है बड़े आसानी से। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरा 2016 का बैच है और 2021 जुलाई में हमारे 4G के एग्जाम्स हो रहे थे, यानी कि हमें पता था कि 2021 में हम नॉसेट नहीं दे पाएंगे। सो 2022 का नॉसेट ही हम दे सकते हैं, बिकॉज 21 तक तो रजिस्ट्रेशन तो दूर, हमारे पास मार्कशीट तक नहीं थी। सो 2020 की नॉसेट में हमारे पास बहुत टाइम था, अच्छा खासा, मोर देन 6 मंथ्स से। तो हमने सोचा, हम बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास के प्राइवेट में ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर रहे थे, क्लिनिकल एक्सपीरियंस ले रहे थे, क्योंकि कोरोना की वजह से तो हमारा इंटर्नशिप तक नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, अच्छा चांस है, मैं भी घर में बैठी क्या कर रही हूँ। मैंने भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, भोपाल में गट हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पे सैलरी तो 8,000 मिलती है। कुत्ते की तरह काम कराते हैं, इतना सारा वर्कलोड होता है, मेंटल हरेसमेंट होता है वो अलग होता है। मतलब वहाँ की जो वर्क इन्वायरमेंट था वो भी मुझे सूट नहीं किया। काम तो वर्कलोड तो चलो ठीक है कि आप नए हो तो आपको वर्कलोड हर जगह लगेगा, कोई बात नहीं है उसकी, पर थोड़ा सा मेंटल पीस भी नहीं मिल रहा था मुझे। वहाँ पे समझ में आ गया कि नर्सिंग मेरे लिए नहीं बनी है, बिकॉज द पीपल अराउंड देयर, द नर्सिंग स्टाफ वाज लाइक दे जस्ट ह्यूमिलिएट यू एट एनी पॉसिबल वे। ठीक है, तो आपको वो इन्फीरियर फील कराएंगे, आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, है ना, आपको कुछ गाइड नहीं करेंगे, कुछ सिखाएंगे नहीं, कुछ नया सीखने को तो आप भूल ही जाओ। मैंने सोचा कि यार यहाँ से क्विट करना ही अच्छा रहेगा मेरे फिजिकल एज वेल एज मेरी मेंटल हेल्थ के लिए। तो मैंने 2 महीने जॉब की, उसमें से 1 महीने की सैलरी दी, 1 महीने की सैलरी छोड़ी वहीं पर, और मैं घर आ गई वापस, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था यार। और घर पर आने के बाद में मैं क्लियरली ऐसा हो गया कि यार मैं नर्सिंग के लिए कैसे पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ मैं जो उस चीज़ के लिए जिसकी जॉब मुझे पसंद ही नहीं है, जो मुझे करना ही नहीं है। मेरे पास जीरो मोटिवेशन था पढ़ाई के लिए, आप समझ सकते हो, जीरो मोटिवेशन, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम तो ही नर्सिंग ऑफिसर्स के निकलते हैं ना। तो मेरा मन ही नहीं था पढ़ाई वढ़ाई करने का, कुछ भी नहीं पढ़ती थी मैं, घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। मेरे घर के पास में एक कॉलेज था तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो वहाँ ऐसे नर्सिंग ट्यूटर मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पे मुझे समझ में आया कि यार नर्सिंग ट्यूटर तो बड़ा अच्छा है, मतलब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल इज़ फुल ऑफ लाइफ, अच्छे अच्छे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, और आपको जो इंटरेक्शन होता है, जो वाइब्स आती हैं, जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, इतना रिफ्रेशिंग होता है कि मतलब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, MSc करते हैं और नर्सिंग ट्यूटर में जाते हैं, दिस इज़ बेस्ट फॉर मी, और इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो एक मोटिवेशन भी मिल गया, पढ़ने का जरिया भी मिल गया, जो पढ़ने के लिए अपने मन को समझाना होता है ना कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे ये करना है, इसलिए तो मुझे पढ़ना है, तो वो मोटिवेशन का रास्ता भी मिल गया मुझे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वहाँ पर भी 2 महीने पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता चला कि मार्च में तो एम्स MSc के फॉर्म निकलते हैं और अप्रैल में तो एग्ज़ाम भी हो जाता है, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है। तो मैंने उस जॉब को फैब में ही क्विट कर दिया था। फैब में क्विट करने के बाद मैं घर पे आ गई, घर पे आने के बाद मैंने सोचा कि यार सेल्फ स्टडी जोर जोर शुरू कर देते हैं एम्स MSc के लिए। और फिर मैंने सोचा कि यार एम्स MSc में नहीं होता है सपोज, तो एक बैकअप तो रखना चाहिए, तो इसलिए बीच में एक HGPGI का फॉर्म आया था, मैंने वो भी भर दिया, और मेरा HGPGI में नहीं हुआ 2-3 मार्क्स से। और मुझे इतना 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 डिप्रेशन हो गया, इतना बुरा लग गया, इतना मतलब मेरे माइंड में एक चीज़ फिक्स हो गई, एक थॉट फिक्स हो गया कि इसमें नहीं हुआ तो किसी में नहीं होगा। ये एग्ज़ाम जो इतना इजी सा आया, जो इतने लाइट क्वेश्चन आए, इसके लिए मैंने इतनी पढ़ाई की, वो नहीं हुआ तो MSc भूल जाओ, नॉर्सेट तो भूल जाओ, जो भी होगा अगले साल हो। इवन मैंने अपनी फ्रेंड्स भी कह दिया कि यार अपने नोट्स संभाल के रखना, और तेरा तो हो जाएगा, तेरे नोट्स तो फालतू हो जाएंगे, तो मैं उन नोट से पढ़ लूँगी, मेरे काम आ जाएंगे। मतलब जो भी मैं सोच के बैठी थी, मेरा जो भी होगा अगले साल होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, मेरे हेल्थ इश्यूज आ गए थे, इनफैक्ट मुझे IBS हो गया था, जो स्ट्रेस की वजह से जो हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है ना, इसके से मेरा वेट लॉस भी हो गया काफ़ी सारा, और मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से निकल के थोड़ा सा मैंने अपने को स्ट्रेंथन किया। एंड फाइनली मैंने सोचा कि यार एक ट्राई और कर लेते हैं, अगर इसी साल हो जाता तो कितना अच्छा रहेगा, अगले साल तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था ना, ऑलरेडी 2 साल कोर्स में एक्सटेंड हो गए थे, और टाइम का जो प्रेशर होता है ना, वो सबसे बेकार प्रेशर होता है, क्योंकि टाइम का प्रेशर सबसे ज़्यादा था कि यार जो करना है इसी साल में करना है। तो मैंने फिर एक बहुत सारा 1 हफ्ते का टाइम दिया अपने आप को ये सोचने में कि ठीक है, सेल्फ स्टडी से नहीं, कोचिंग से अगर होता है तो कोचिंग कर लेते हैं, आप कर लेते हैं। तो मैंने पूरा एक हफ्ता दिया ये ढूंढने में कि कौन सी कोचिंग अच्छी है। और मैंने नर्सिंग में, आप यकीन नहीं मानोगे, नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी कोचिंग हैं यूट्यूब पर अवेलेबल, मैंने सारी देख डाली होंगी, और मैंने बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग देखी, जीनोमिक्स, कॉन्सेप्ट आने लिए, और मैंने उनके लेक्चर देखे, यार अच्छा पढ़ाते हैं, ट्रिक्स के साथ बताते हैं। ट्रिक्स से क्या होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, है ना, समझाना तो कोई भी समझा, तो
कोई भी लेगा फ्री में, बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हैं समझने के लिए, ट्रिक्स भी बता रहे हैं तो जल्दी जल्दी कवर हो रहा है। मैंने कहा यार ठीक है यार, ये तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैंने पता नहीं मेरे माइंड मतलब मेरे माइंड में क्या चला था, मेरी लकीरों में क्या लिखा था, मैंने लास्ट में इतनी घटिया कोचिंग ले ली सब्सक्रिप्शन, 5500 रुपीज़ मेरे पूरे वेस्ट हो गए, पानी हो गए। मतलब उसमें लेक्चर नोट्स भी थे, टेस्ट सीरीज भी, तो थोड़ा अच्छा भी लगता कि इतना सारा कुछ मिल रहा है 5500 में, प्लस जो मेरे लॉजिक उड़ चुके थे उस कोचिंग को लेने से पहले, ना मैंने डेमो क्लासेस देखी ना कुछ देखा। मैंने क्या देखा कि उन्होंने छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल रखे हैं, और छोटे छोटे शॉर्ट्स में ना सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब बता रहे हैं कि वो कोचिंग कितनी बेनिफिशियल रही है उनके लिए। तो मैंने वो शॉर्ट्स देखे, मैंने डेमो क्लासेस नहीं थी उसकी अवेलेबल, मैंने देखने भी जरूरी नहीं समझी, और मैंने वो क्वेश्चन ले लिया। बहुत ही बेकार निकला। आई नो कि बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं ये तो अच्छा है, टीएनसी की टेस्ट सीरीज तो अच्छी है, तो मैं कहना चाहूँगी कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज उनके लिए अच्छी होगी इनकी पहले से थ्योरी क्लासेस सेट हैं, या फिर उनके लिए अच्छी हो सकती है जिनका ऑलरेडी बहुत सारा बेस स्ट्रॉन्ग है, इनको सिर्फ क्वेश्चन 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 लगाने हैं, है ना। तो मेरी तो वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल हेल्पफुल निकली, मैंने रिफंड भी मांगा था सर से, मुझे रिफंड भी नहीं मिला। इनफैक्ट इतने सारे टेक्निकल इशूज हैं लास्ट टाइम, तो टेक्निकल इशूज चलते रहते हैं उसमें, और लेक्चर नोट्स के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। तो कोचिंग में मेरे पैसे बर्बाद हो गए उसके बाद, बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा दुख पड़ गया लाइफ में कि यार एक तो कुछ अच्छा मिला नहीं, टाइम बर्बाद हो गया, पैसे बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। फिर मैंने यार बहुत दुख मनाया, फिर उसके बाद फाइनली अपनी एक फ्रेंड से अच्छे सजेशन लिया, उससे उसने समझाया कि यार ऐसे ऐसे नर्सिंग में एक्सलाइव है वो इससे किसे सारे उसमें ऐसे पढ़ाते हैं, और उससे हमारी क्लास की लड़की का एक अच्छा खासा रैंक भी सिक्योर किया था उसने। तो मैंने फिर नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का सब्सक्रिप्शन लिया, और लास्ट का एक महीना बचा था, एक महीने में मैं जो कर सकती थी जैसा कर सकती थी मैंने अपना बेस्ट दिया, और मैंने क्या किया कि सबसे एक स्ट्रेटेजी बनाई कि जो मेरे सबसे ज़्यादा वीक एरिया से, मतलब हाँ जन्म से क्वेश्चन अगर आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बिल्कुल नहीं आएगा वो क्वेश्चन, तो मैंने उस सारे टॉपिक्स उस कोचिंग से कवर किए, क्योंकि उसमें क्या है कि ऐसे वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ के सब वीडियोज़ भी हैं, आप कोई टॉपिक करना चाहते हो तो उस टॉपिक के सब टॉपिक पर तुरंत के तुरंत उस वीडियो में जा सकते हो बिना टाइम बीतिए। इवन रैशनली भी ऐसे हैं उसमें कि अगर आप किसी एक टॉपिक का रैशनली पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, आपको ऐसा लगेगा। तो हाँ नर्सिंग एक साथ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई, और 70-30 में मैं डिवाइड करना चाहूँगी इस प्रिपरेशन को, कि मैंने 70% सेल्फ स्टडी से किया, फ्री सोर्सेज से किया, और 30% फाइनली जो एक महीने में बूस्ट दिया मेरी नॉलेज को वो नर्सिंग एक्स लाइफ में सारी लूप होल्स कवर कर लिए। तो मेरा नौसेट में 1080 रैंक आई, और मेरी एम्स एमएससी में 268 रैंक आई, और मैंने फाइनली एम्स एमएससी ना करके नौसेट में ज्वाइन करने का फैसला लिया। क्योंकि यार एट लास्ट आपको ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं मिलेगा जिसमें आप बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, और आप नर्सिंग लेक्चरर या नर्सिंग ट्यूटर के लिए एलिजिबल हो, नहीं ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं था। मैं जितने भी फॉर्म्स देखे थे इस बीच सारे फॉर्म्स ऐसे थे कि जिसमें कि 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगते हैं, और मिनिमम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो आपको ऐसा टीचिंग एक्सपीरियंस अर्न करना पड़ेगा। तो वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पॉसिबल, प्राइवेट कॉलेज में जाके पॉसिबल है कि प्राइवेट कॉलेज में आप जाओ, अपनी 70,000 की जो सैलरी मिल रही है उसको छोड़ के 20-25,000 रुपये की सैलरी लो, और प्राइवेट में 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अर्न करो, वो तो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ कुछ फॉर्म ऐसे भी निकलते हैं जिसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगते हैं, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ आपका जो बेसिक बीएससी है या एमएससी है उसको, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ आपकी एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया रखते हैं वो। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे वाले फॉर्म्स भी टारगेट करूंगी, और इस तरीके फॉर्म्स के थ्रू ही अगर हो पाया तो आई विल श्योरली गो फॉर टीचिंग, और साथ में इन सर्विस एजुकेशन तो है ही अच्छा, क्योंकि उसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं, और आपकी वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जा रही है, लेवल भी अपग्रेड हो रहा है आपकी एजुकेशन का। तो मैंने कहा कि ये ऑप्शन ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर अपना यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के पद पे ज्वाइन कर लिया, और आई एम करेंटली वर्किंग इन एम्स भोपाल फ्रॉम 3 to 4 months, और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ अपने डिसीजन से। और मैंने एक वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो यही था कि मैं आप लोगों को भी शेयर कर पाऊँ अपनी जर्नी, और वो सारे फ्री सोर्सेज जो मुझे हेल्पफुल लगे, और मैंने जो बुक्स यूज़ में ली वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कौन कौन सी कोचिंग है जो आपको कर लेनी चाहिए, कौन कौन सी कोचिंग है जिनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि यार देखो सब अच्छा अच्छा बताते हैं पर नेगेटिव बारे में ना, तो जो चीज़ें हैं जो लॉस कराने के लिए जो स्पेशली चीज़ें फैली हुई हैं उसके बारे में कम अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है। और जो पैसे वेस्ट होते हैं ना वो भी खासतौर पर ऐसे टाइम पर जब आपके पास मनी का प्रेशर है, आप कमा नहीं रहे हो, आप पैसे गंवाए जा रहे हो गलत कोचिंग में, तो ऐसे में बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। और ये सब चीज़ों से बचने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स को पूरा भर दो, पूरा बता दो उसमें क्लियरली कि हाँ आपको कौन कौन सी चीज़ों से कब कब कहाँ कहाँ लॉस हुआ है, कब कब कहाँ कहाँ फ़ायदा हुआ, जिससे सब लोगों का फ़ायदा हो सके इस चीज़ को पढ़ के, है ना। एक जेन्युइनली एक फीडबैक मैं चाहती हूँ आप लोगों से,
सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडी एंड हैव अ गुड डे.